इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, आजम खान के फिर से सामने आए बिगड़े बोल। राज्य में अगली बार सपा की बनेगी सरकार, आजम खान का यह कहना है। से रोटी पलट जाएगी, कुछ नहीं पता। नाले पार वालों, जिन पुलिस वालों ने तुम्हारे घरों के दरवाजे तोड़े हैं और जिन्होंने तुम्हारी ठोकरें मारी हैं, यही तुम्हें खड़े होकर इसी घूर से सैल्यूट किया। तो सुना आपने किस तरीके से आजम खान आखिरी वक्त में भी ऐसी बात कहना चाह रहे हैं। कह दिया उन्होंने, या तो दिल में घर कर जाए या चोट कर जाए, वोटर इधर जाए या उधर जाए, अपने तरफ किस तरीके से हम ले आए ये पूरी कोशिश, ये पूरा दमखम लगाने की जब दो जायत हमने देख ली। बिल्कुल, और अपने दर्शकों को भी लगातार ये घड़ी हम दिखा रहे हैं और इस घड़ी में देखिए 5 मिनट से भी कम का वक्त बचा है, जब पहले चरण के लिए जो चुनाव प्रचार है, जो चुनावी प्रचार का शोर है वो थम जाएगा। 5 मिनट का वक्त है, 5 मिनट बाद थम जाएगा पहले चरण के लिए चुनाव प्रचार। बिल्कुल, आखिरी पांच मिनट और 10 नगर निगम में प्रचार थम जाएगा। जो भी दम लगाया है, जितनी भी कोशिशें की हैं, जितनी जोर आजमाइश थी, और अब 10 मिनट के बाद जनता पूरी तरीके से अपने मन में ये जानेगी, समझेगी, आंकेगी, भांपेगी कि 4 तारीख को किसके साथ जाना है। लेकिन आखिरी 10 मिनट और इसके बाद प्रचार खत्म। चलिए बिल्कुल, और देखिए लगातार हम अपने जो दर्शक हैं उन्हें जिलेवार बता रहे हैं, मंडलवार बता रहे हैं कि कहां पर क्या समीकरण रहने वाला है और क्या तस्वीरें हैं। आगरा मंडल का एक बार फिर से जिक्र करते हैं, यहां पर 4 जिले आते हैं, आगरा, फिरोजाबाद, मथुरा और मैनपुरी। वहीं इस बार इस मंडल में 3 नगर निगम भी शामिल है। इसमें लता बिल्कुल आगरा मंडल को डिटेल निगाहों से देखिए, नगर निगम की संख्या 3 है, पालिका की संख्या 10 है, पंचायतों की संख्या यहाँ पर 33 आती है। आगरा जिला देखिए, महापौर 1 है, नगर निगम पार्षद कुल 100 है, नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष 5 आते हैं, नगर पालिका परिषद सदस्यों की संख्या यहाँ 125 है और कुल नगर पंचायत अध्यक्ष जो है वो 7 हैं। बिल्कुल, सीधे ग्राउंड का रुख करेंगे आयुषी, क्योंकि हमारे सहयोगी नितिन के पास जो तस्वीरें हैं वो भी समराइज कर रहे हैं, वो भी रैप कर रहे हैं, क्योंकि आखिरी 3 मिनट 30 सेकंड। नितिन, नितिन आप तक आवाज पहुंच रही हो तो आप समझा जा सकता है पूरे दिन की थकान चेहरों पर झलक रही है। इसके साथ ये उम्मीद है कि आज जो मेहनत की है उसका फल मिलेगा, 13 तारीख को मिलेगा, आज नहीं कल मिलेगा, 4 तारीख को जनता वोट करेगी। और हमने देखा किस तरीके से एड़ी चोटी का जोर दिग्गजों ने लगाया, प्रत्याशियों ने लगाया, समर्थकों ने लगाया, और अब जनता बड़े आराम से सोचेगी कि 4 तारीख को वोट किसको करना। बिल्कुल, तो रणभूमि में जिस तरीके से तमाम दिग्गज थे वो लगातार बने हुए थे और अब जो थकान है वो भी साफ तौर पर देखे जा रही है। नितिन लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। नितिन, आखिरी 2 मिनट से भी कम का जो वक्त बचा है, अब कैसी हलचल है, क्योंकि तमाम चेहरे हम आपके पीछे देख रहे हैं, थकावट भरे ये चेहरे हैं, सुबह से ही प्रचार प्रसार में लगे हुए थे, लेकिन आखिरी वक्त में कैसा माहौल? बिल्कुल देखिए, अब बस इलेक्शन का जो शोर है लगभग थम चुका है और ऐसे में आप औपचारिक तौर पर चुनाव प्रचार नहीं कर सकते, और लेकिन सभी दलों के जो प्रत्याशी हैं कौन उनका अपने अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। बीजेपी का लेवल कुछ ज़्यादा ही हाई है कॉन्फिडेंस का, तमाम लोग हमारे साथ हैं। गौरव राजावत, क्षेत्रीय मंत्री युवा मोर्चा, आप बताइए कि क्या लग रहा है, अब 4 तारीख गेंद है वो जनता के पाले में, क्या लग रहा है, जनता जनार्दन आशीर्वाद? जनता ठान के बैठी है भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हेमलता दिवाकर कुशवाहा को, क्योंकि युवाओं का सम्मान हेमलता, महिलाओं का स्वाभिमान हेमलता, दलित शोषित वंचित का प्रमाण हेमलता है, और हेमलता दिवाकर कुशवाहा को निश्चित तौर पर आशीर्वाद। आज भी हजारों लोगों ने आकर पुष्प वर्षा कर अपनी नेता को, अपनी प्रत्याशी को आशीर्वाद दे चुकी है जनता कि 4 तारीख को इतनी अधिक संख्या में कमल का बटन दबाएंगे कि निश्चित तौर पर जब गिनती पूरी। बीएसपी से मान रहे हैं या समाजवादी पार्टी? टक्कर तो है ही नहीं साहब, बीजेपी बिल्कुल चुनौती दे पा रही, द्विपक्षी कर पा रही साहब, कोई टक्कर नहीं, टक्कर तो कुछ नहीं है साहब, एक तरफा बीजेपी, एक तरफा। तमाम और भी महिला कार्यकर्ता भी हमारे साथ हैं, क्या लग रहा है मैडम, आप लोग भी लगातार कई दिनों से लगे हुए थे, तो आप बस आप केवल ज्यादा से ज्यादा लोग घर से बाहर निकले, वोट करा पाए, अब ये अगली चुनौती? भरपूर वोट होंगे और एक चुनौती के तौर पर वोट होंगे, ऐतिहासिक वोट मिलेंगे हेमलता दिवाकर जी को, जो कि हमारी बहन जी हैं और महिला के रूप में है, तो और ही ज़्यादा, हमारा किसी पार्टी से कोई तुलना नहीं है। आपको लग रहा है कि बीजेपी का यही लकीर खींचनी होगी? नितिन अब रुक जाइए, अब थम जाइए, क्योंकि थमने की बारी जो है वो अब प्रचार की है।
एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।